प्रणाम सूर्यदेव, मुझे सुंदर लग रहा है। सवेरों का मेरा तू सूरज लागे। मैं तो फटावा फटावा गाती हूँ ना। तो अभी हम डोरुवार में धूप सेक रहे हैं। मेरे को इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, ये गर्दन में सर्वाइकल वाली बहुत तेजी है देखो। तो अभी मम्मा मेरे को हल्की हल्की सी मसाज करेंगे। ये कुछ आयुर्वेदिक पंचगुण तेल है तो इसकी करेंगे। मेरे को 2-3 दिनों से कर रही हूँ ना मैं, तो मेरे को सही लग रहा है, मतलब अच्छी मूवमेंट हो रही है। वरना ये देखो कितना ज़्यादा हो गया इधर इधर से पीछे से भी। तो अभी बस धूप में मज़ा लेंगे सर्व मसाज का। हम फुल लग रहा है ना पीछे, बहुत सुंदर लग रहा है देखो। तो अभी पता क्या हुआ, एक ना इधर आवारा कुत्ता आया और डोरा उसके पीछे भाग गई बहुत ऊपर तक। मैंने इसको बहुत बुलाया, डोरा आ जाता, हमेशा ऐसे ही मतलब भाग जाती है और अभी भी भाग गई। तो अभी मैंने इसको बहुत पीछे तक, मैं इसके पीछे गई, फिर मैंने बोला डोरा नीचे मत आइए, यहीं रहा, अब तो घर मत आइयो। अब देखो वो वहाँ बैठी हुई है, मैंने उसको बोला घर मत आइयो, वहीं बैठी रहे, अब आई ना तू नीचे। देखो वहीं बैठी हुई है ये, इसको ना यहाँ पर बैठे बैठे 10 मिनट हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमालयन गर्ल। तो अभी सुबह सुबह के क्या दीदी, अभी कितना हो रहा टाइम, 12 बज रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं। मम्मा आज मैं वापस जा रही हूँ रामपुर, तभी मम्मा के साथ आई हूँ खेत, क्योंकि मैं सोचा मम्मा फिर थोड़े से बीमार रहते हैं तो ये एक दो लकड़ी का खिल्टे इनको घर ले जाके देती हूँ। वैसे तो मेरे को भी सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, अति वाली हो रही है, बट मम्मा को मेरे से ज़्यादा है। और मैं भी थोड़ी जवान भी हूँ, और मेरी माता जी थोड़े से बूढ़े भी हो चुके हैं ना। तो मैंने सोचा जरा माता जी की जरा सी हेल्प करके जाएंगे हम। बाहर नहीं है वो, हल्का है, हल्का चूहे के पैर में, चूहे के घर में गई पैर, चूहे के घर में। ये देखो तो मेरा पूरा पैर यहाँ, ये पूरा पैर यहाँ पर घुस गया था मेरा। और भी लेना नहीं? चलो गाइज, तू कम थप्पड़ पड़े तेरे को अभी, इतनी गालियां लगाई ना मैंने इसको अभी, और फिर रूट के ऐसे पास पास आती रहती है, फिर वहां पे पिघल जाती हूँ। फिर चलो अभी घर जाते हैं फटाफट से, फिर एक दो कर बजे मेरी बस भी आ जाएगी, फिर मैं चले जाऊंगी। फिर कल से किसको गालियां लगाओगे, किससे झगड़ोगे, फोन पे ही लगे थे। फिर हर आधे घंटे बाद वीडियो कॉल करता। फिर कभी कुछ दिखा रहे होने, कभी कुछ दिखा रहे होने। बच्चों बाय 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 बाय, मैं बच्चों बाय, मैं को बस आएगी 1:30 पर। मतलब जिस बस में मेरे को जाना था वो आज नहीं जा रही है, तो मेरे को दूसरी बस में जाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को पहले यहाँ से जाना पड़ेगा अपने दूसरे वाले घर तक, निथर तक, वहाँ से फिर वही बस जाएगी, अभी जाएगी। फिर एक घंटा वहाँ पर वेट करने के बाद मेरे को मतलब वही बस जाएगी। फिर मुझे बता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझाना भी नहीं आ रहा। तो अभी चलती हूँ, डोरा हमारे साथ आना चाह रही है, बट नहीं डोरा नहीं, तो नहीं इसको देना, मैंने बस में उठा के ना, फिर उठी दे रही नहीं बेटे। कैसे रो रही है ना, इसको ये जा रही, मैं आ रही है तेरे पास, मैं आऊंगी और ये रुला देगी जाते जाते, ऐसे कर दिया ना, फिर मेरे को बहुत रोना आता। अब मैं से आगे निकली है, कसम से इतनी प्यारी है ना ये, इसको छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं करता। जब इतने टाइम बाद घर से जाते हैं ना तो इतना इसको लग रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं, तभी सुसू करके रख दिया है। जब भी हम कहीं जाते हैं ना मतलब, तो फिर इसको होता है कि हाँ जाना है, तो सुसू वगैरह हल्का होके रहना होता है। और देखो खुश, अब खुश। तो अभी बस आ गई आवाज़ से, बस वहाँ पीछे दिख रही है मेरे को, आते हुए दिख गई थी, और मेरे को डर लग रही है पता नहीं क्यों, जैसे बहुत टाइम बाद इन टाइम से घर में थी, और घर से जाते हुए थोड़ी सी बुरी लग रही है, और बस में बैठते हुए भी डर लग रही है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच गई अपने दूसरे वाले घर, और यहाँ से मेरी बस जाएगी ठीक 4 बजे। तो मेरे पास था 1 घंटा था मेरे पास, तब तक मैं कहा घर चले आती हूँ, और आराम से, मेरे को भूख भी लग गई थी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत है मेरे को मतलब हर पंद्रह मिनट बाद। तो फिर करके मैं सोचा पहले घर जाती हूँ आराम से, फिर खाने को कुछ था नहीं, मम्मा भी घर में, पापा ने अपना लंच कर दिया था, तो फिर थोड़े बहुत से संतरे थे मैं ये खा रही हूँ, और सब ऐसे बैठी हूँ बाहर लॉक लुक करके, क्यों कब बस आएगी। मम्मी को मम्मा डोरा का बुरा बहुत लग रहा है, ये इतना बेचारा इतना बेजान सा हो गया था ना, क्योंकि इतने टाइम से हम इतने दिनों से घर में थे और ये यहीं पर था, और तो फिर ऐसा हो गया एकदम सुकड़ू सा।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप भी नेक्स्ट डे हो चुका है। पिछले कल रात को बस पहुंची, मतलब वैसे तो टाइम से पहुंच गई थी, बट आजकल अंधेरा जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है तो फिर काफी लेट हो गया था। बस पहुंची शायद 6:30 कुछ ऐसा हो गया था टाइम। फिर तब बस यहाँ पहुंची और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था तब तक। तो फिर उसके बाद आके ऐसे घर से थकी हुई भी थी, बुरी भी लग रही थी, अजीब सा मूड हुआ था। तो फिर मैंने खाना खाया, थोड़ा बनाया फटाफट से, और मैंने वही बनाई खिचड़ी बोल दो ये कुलथ की। तो मैंने थोड़े से कुलथ छिल लिए थे, मैं सुबह कौन बनाएगा। सुबह उठ के मेरे को बहुत नींद आ रही थी और अब भी जस्ट मैं उठ रही हूँ सो के, क्योंकि इतने दिनों से घर में ऐसा था ना, मम्मा का सभी को बताएगी मम्मा लोग कितनी जल्दी उठा देते हैं। तो फिर आज मैं अभी टाइम बताऊँ आप लोगों को, प्रॉपर टाइम हो रहा है 10:45 हो रहा है, 10:45 हो रहा है और अभी मैं सो के उठ रही हूँ। मैंने पूरी नींद ली आज, पूरी नींद। और बाहर अभी धूप का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने अभी हीटर ऑन किया हुआ है और बस ये मैंने गर्म कर दिया अपनी कुलथ, नमक मिर्च डाल के इसमें, और मैं इनको खाऊंगी थोड़ी देर के लिए ही सही, बट टमी थोड़ा सा फील तो होगा, उसके बाद बना लूंगी खाना वगैरह। तो दोस्तों आज इतने टाइम बाद आई हूँ तो सारी सफाई वगैरह करने को है, बहुत कुछ है आज काम करने को, और आज संडे है। तो आज वीडियो का एंड मिस वाली का यही कर रही हूँ, इसके बाद नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। यार ये वर्क क्यों बोलते हैं, मुझे पता है वीडियो अच्छी नहीं बनी है क्योंकि मेरे को कुछ पसंद नहीं है। एडिटिंग करते करते मैं सोचती हूँ ना, हमेशा हर व्लॉग में ये सोचती हूँ यार क्या ये हो क्या है। चलो फिर भी बाय बाय, अपना ध्यान रखना, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आई लव यू।